2012 में जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर ने संन्यास का ऐलान किया था, उसके बाद एक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि आपको लगता है कि आपके रिकॉर्ड्स कोई तोड़ पाएगा? सीधा सीधा बोल दो, नहीं तोड़ पाएगा। जिसके जवाब में सचिन तेंदुलकर अपनी कुर्सी से खड़े हुए और कहा, मुझे लगता है कि वे ऐसी कमरे में बैठे हैं। युवा खिलाड़ी जैसे विराट कोहली और रोहित, जब तक मेरे रिकॉर्ड्स कोई भारतीय तोड़ता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सचिन का एक बड़ा रिकॉर्ड खतरे में है। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट जिस गजब की फॉर्म में चल रहे हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह जल्द ही सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लॉर्ड्स में बैक टू बैक पारियों में शतक चढ़ने के बाद जो रूट अब इस लिस्ट में 12,377 रनों के साथ सातवें पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं लिस्ट में टॉप पर बैठे सचिन तेंदुलकर के पास 15,921 रन हैं, जिसके साथ अब उन दोनों के बीच में महज 3,544 रनों का ही गैप रह गया है। जिस अंदाज में जो रूट पिछले कुछ समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले 3 से 4 सालों में वे सचिन तेंदुलकर के करीब पहुंच सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 15,921 रन, रिकी पोंटिंग 13,378 रन, जैक कैलिस 13,279 रन, राहुल द्रविड 13,288 रन, एलिस्टर कुक 12,472 रन, कुमार संगकारा 12,400 रन, जो रूट 12,377 रन। अब ऐसे में देखने योग्य बात यह है कि जिन खिलाड़ियों ने टॉप 7 की लिस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उसमें से टॉप 6 खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है, जबकि जो रूट एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी खेल रहे हैं। 2012 में जो रूट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। फिलहाल चल रहे टेस्ट मुकाबले में जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में 143 तो दूसरी पारी में 103 रनों की शानदार पारी खेली। बता दें कि जो रूट इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। अब उनके पास 34 टेस्ट शतक हैं। जब जो रूट से इस बारे में पूछा गया कि उनकी नजरें सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक टेस्ट रनों के रिकॉर्ड पर हैं, तो उन्होंने कहा कि वह सिर्फ खेलना चाहते हैं और टीम की जीत में ज्यादा से ज्यादा योगदान देना चाहते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई एक वीडियो में जो रूट कहते हुए नजर आए, मैं सिर्फ खेलना चाहता हूं और कोशिश करना चाहता हूं और टीम के लिए अपना योगदान देना चाहता हूं और जितने ज्यादा रन बना सकूं बनाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि हम कहां पहुंचते हैं, लेकिन इससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं है। मेरा मतलब है, ये स्पष्ट रूप से आश्चर्यजनक है कि जब आप जानते हैं कि आपने शतक बनाया है और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैच जीतने से बेहतर कोई फीलिंग नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा ये खेलों को प्रभावित कर सकता है और जितना ज्यादा आप टीम में योगदान दे सकते हैं, उतना ही ये बेहतर है। अब ऐसे में देखने योग्य बात ये होगी कि अगर जो रूट आने वाले 3-4 सालों में और टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे में सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड खतरे में हो सकता है।